नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत अच्छा चीज़ लेके आया। जो गाड़ी यूज़ कर रहा है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसके बारे में मैं बात करेगा तो ये लगाने के बाद आपको टायर, अपना गाड़ी का टायर बहुत समय तक यूज़ कर सकता है। डिवाइस के नाम में टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम। टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम दो टाइप डिवाइस आ रहा है मेनली। एक टाइप है इंटरनल सेंसर मॉडल, दूसरी मॉडल है एक्सटर्नल सेंसर मॉडल। लेकिन मैंने एक्सटर्नल मॉडल डिवाइस खरीद किया था। आपको मैं एक्सटर्नल डिवाइस के बारे में सब कुछ दिखाया गया, फिर भी ये इंस्टॉल करके इसका रीडिंग सब कुछ वगैरह आपको एक एक करके मैं सही से बताएगा। चलिए दोस्त लोग, ये अनबॉक्स करके देखेगा इसके अंदर क्या सामान मिलने वाला है। इसके अंदर एक पेपर वर्क मिलता है, इसमें आप लोगों को इंस्टॉल करने का तरीका सही से बता दे रहा है। ये आप इंस्टॉल करने पहले देख लीजिए। आप देख लेते हैं इसके अलावा क्या दूसरी चीज़ मिल रहा है। इसके अंदर एक नट्स पैकेट मिलता है, उसमें अंदर चार नट्स है। उसके बाद और एक टूल भी मिलता है। दूसरी हम लोग को ये चार्ज करने के लिए एक यूएसबी केबल भी मिलता है। ये रहा हमारा सोलर पैनल। जब ये यूएसबी के बिना चार्ज करना है तो आपको सोलर पैनल से भी चार्ज कर सकता है। ये रहा हमारा मेन डिवाइस। इसमें सोलर पैनल हम लोग को इंस्टॉल करना चाहिए, सोलर पैनल सेपरेट में मिला है। अब देख लेते हैं दूसरी चीज़ क्या मिलना है। बॉक्स का अंदर चार एक्सटर्नल सेंसर है। एक एक सेंसर में दूसरी सिंबल है, इसका मतलब कि हम लोगों को टायर में लगाने का पहले ये बराबर लगाना चाहिए। फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, रियर राइट, रियर लेफ्ट करके पूरा डिटेल में ये चार एक्सटर्नल सेंसर हम लोगों को मिल रहा है। अगर आप इंटरनल सेंसर भी खरीद करेगा तो वो टायर निकाल के रिम का अंदर लगाना चाहिए, वो थोड़ा तकलीफ है। इसलिए दोस्त लोग, मैंने एक्सटर्नल सेंसर वाला खरीद किया था, लेकिन ये मैन्युफैक्चर बता रहा है इंटरनल सेंसर में रीडिंग एक्यूरेसी एक्सटर्नल सेंसर से बहुत बेहतर है। चलिए दोस्त लोग, ये ऑन करने का पहले सबसे पहले हमें सोना पैनल डिवाइस का मेन अंदर लगाया गया। ये रहा हमारा स्टिकर्स। अब जब हम डैशबोर्ड में लगाया गया तो स्टिकर ज़रूरत पड़ जाता है। सबसे पहले सोलर पैनल का दो तार हम एक कॉल के अंदर क्लिप में फिक्स करेगा। इसके लिए मैंने स्क्रू ड्राइवर से दबा के ये प्लास्टिक एक ही तरफ दबा दिया। दोनों तरफ ऐसी जो प्लास्टिक लॉक है और लॉक आप बहुत संभाल के प्रेस कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे उंगली से ये थोड़ा ओपन कीजिए। उसके बाद आपको देख सकता है एक खाली पास से सॉकेट, उसमें आप सोलर पैनल का दो तार संभाल के लगा दीजिए। ये रहा हमारा सोलर पैनल का दो तार, इसमें एक क्लिप है। अब ये बराबर उसका ऊपर रख के इसका अंदर बैटरी भी है। बैटरी चार्ज करने के लिए ये सोलर पैनल हम लोग को ज़रूरत पड़ जाता है। अगर आपको सोलर पैनल का बिना भी ये काम कर सकता है, इसमें यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है एक ही साइड में। लेकिन सोलर पैनल लगाएगा तो आपको हमेशा ये चार्ज करने का ज़रूरत नहीं है। ये एक बार लगाएगा तो आपको बहुत टाइम तक सोलर पैनल से यूज़ हो जाएगा, क्योंकि अब गाड़ी चलाने का टाइम सरूर धूप सोलर पैनल पर लग जाएगा, इसीलिए आपको यूएसबी चार्ज लगाने का ज़रूरत नहीं है। डिवाइस के बारे में और कुछ बात करेगा तो इसमें चार वायरलेस सेंसर से आपको ऑटोमेटिक रीडिंग दे रहा है, और इसमें टायर प्रेशर मॉनिटर कर रहा है, चार टायर में टेम्परेचर आपको बता रहा है। बैटरी के बारे में बात करेगा तो
ये बैटरी लॉन्ग लाइफ बहुत समय तक पर आपको चार्ज के बिना इसमें चार्ज से चला सकता है। टायर प्रेशर ऑन करने के लिए लेफ्ट साइड बटन 3 सेकंड तक कंटिन्यू प्रेस कीजिए, उसके बाद ये डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। जैसा अब हम गाड़ी के पास जाके ये इंस्टॉल करने का तरीका आपको सही से बताएगा। आप भी जैसे इंस्टॉल कीजिए, चारों सेंसर ऑटोमेटिक वायरलेसली कनेक्टिंग हो जाएगा। ओके दोस्तों, हम गाड़ी पर आ गया, ये रहा गाड़ी। उसमें सबसे पहले हम पीछे राइट साइड पीछे का टायर में वायरलेस सेंसर इंस्टॉल करेगा। सबसे पहले हमारा पुराना वेल कप रिमूव करेगा। ये हमारा पुराना वेल कप है, उसका ज़रूरत नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम वायरलेस सेंसर डायरेक्ट इसमें इंस्टॉल कर रहा है। उसके बाद एक नट ले के, जो हमारा बॉक्स में 4 नट आ गया, उससे एक नट ले के धीरे धीरे घुमा लीजिए वेल पर। अब मैं वायरलेस सेंसर इंस्टॉल करने पहले आपको हमारा मीटर का रीडिंग दिखाएगा। मीटर में लेफ्ट साइड बटन फिर से 3 सेकंड तक होल्ड कीजिए, उसके बाद मीटर ऑन हो रहा है। मीटर का सेटिंग चेंज करने के लिए मिडिल वाला बटन एम बटन आप दबा लीजिए। एम बटन दबाने के बाद PU 38 करके एक डिस्प्ले में ब्लिंक हो रहा है। ये हम आपको बताएगा इसका मतलब क्या है। PU इसका टायर प्रेशर मीटर हाई लेवल है। हमारा टायर प्रेशर मीटर का मैक्सिमम लेवल से आप पे थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए। हमारा गाड़ी का मैक्सिमम टायर रेंज प्रेशर 35 है, इसीलिए मैंने 38 में रख दिया। उसके लिए हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड बटन दोनों बटन से आपको ये चेंज कर सकता है। इसका नीचे वाला है PD का मतलब है लो प्रेशर टायर प्रेशर गेज, वो भी आपको लेफ्ट राइट साइड बटन दबा के चेंज कर सकता है। EP करके और एक वो टेम्परेचर बता रहा है, टेम्परेचर अभी 69 है। दोनों साइड का लेफ्ट राइट साइड बटन दबा के वो भी आपको चेंज कर सकता है मैक्सिमम टेम्परेचर। उसके बाद लेफ्ट साइड कॉर्नर में C बटन ब्लिंक हो रहा है, और हमारा टेम्परेचर वो भी आपको फारेनहाइट के लिए चेंज कर सकता है। उसके नीचे PSI बटन ब्लिंक हो रहा है, PSI बटन टायर प्रेशर PSI में बता रहा है। अगर वो राइट साइड लेफ्ट साइड बटन से आपको ए बार तक चेंज कर सकता है, लेकिन हमारा देश में वो PSI में यूज़ कर रहा है, इसलिए मैंने PSI में रख दिया। सेटिंग चेंज करने के बाद एम बटन फिर से दबा दीजिए, उसके बाद ब्लिंक के साथ बीप आ रहा है। उसके साथ साथ आप सही सेंसर लेके टायर पर इंस्टॉल कीजिए। हमारा हम पहले रियर टायर में राइट साइड टायर का सेंसर लगा दिया। जब मैंने सेंसर लगाने के साथ साथ मीटर देखिए, हमारा एक रीडिंग बता रहा है अभी 33। रियर साइड राइट साइड का टायर का रीडिंग अभी बता रहा है 33। उसके बाद पहले हम एक नट लगाया और नया नट फिर से बहुत अच्छा से सेंसर पर टाइट कीजिए, वरना आपका सेंसर लूज हो सकता है। अब आप मीटर देखिए, एक मैंने सेंसर लगा दिया, इसीलिए 33 करके आ रहा है। बाकी तीनों टायर में प्रेशर अभी 0 करके बता रहा है। उसके साथ साथ बैटरी का चार्जिंग लेवल डिस्प्ले हो रहा है। अब हम हमारा फ्रंट साइड राइट साइड टायर तब आ गया, उसमें सबसे पहले डस्ट कैप रिमूव करेगा, उसके बाद फिर से हम हमारा एक नट लेके इसमें लगाएगा, और नट लगाने के बाद हमारा वायरलेस सेंसर चूज करके उसमें लगाना ज़रूरी है। उसके लिए हम हमारा वायरलेस तीनों सेंसर बाकी है, उसमें F और R
एफ का मतलब है फ्रंट साइड, आर का मतलब है राइट साइड, फ्रंट राइट साइड सेंसर लगाना चाहिए। जब मैं सेंसर का लगाने का टाइम में आप मीटर पर नज़र रख दीजिए, उसके साथ साथ आपको मालूम पड़ जाएगा सेंसर लगाने का टाइम में मीटर का रीडिंग कैसा आ रहा है। अब देखिए मैं धीरे धीरे वायरलेस सेंसर घुमा रहा है, उसके साथ साथ अब मीटर पर रीडिंग आ गया, वो भी 33 है। अब पहला जैसा नट बहुत अच्छा से टाइट करना चाहिए सेंसर पर, उसके लिए हमारा टूल फिर से लगा के बहुत अच्छे से नट सेंसर पर टाइट कीजिए, वरना सेंसर लूज हो सकता है। दस लोग में अपना फ्रंट लेफ्ट साइड टायर तरफ आ गया। अब यहाँ पे भी पहला सिस्टम से सबसे पहले डस्ट कैप रिमूव करके और एक नट ले के इस पर लगाना ज़रूरी है। उसके बाद हमारा सही सेंसर ढूंढ के ए वेल में लगाना चाहिए। हमारा फ्रंट साइड लेफ्ट टायर है तो फ्रंट है तो एफ, लेफ्ट है तो एल, एफ एल करके एक सेंसर है वो यहाँ पे लगाना चाहिए। ये रहा हमारा नट, नट हम धीरे धीरे वेल पर घुमाएगा। एफ एल हमारा सेंसर का सिंबल है। अब हम एफ एल का सेंसर लगाने के टाइम में मीटर पर आप नज़र रख दीजिए। अब हमारा मीटर का रीडिंग चेंज हो रहा है। अब देखिए रीडिंग 33 हो गया, इसके मतलब है हमारा तीनों टायर का हवा परसेंटेज सही है। अब हम पहले जैसा और नट फिर से टाइट करना चाहिए, और नट टाइट करने के बिना अगर आप गाड़ी चलाएगा तो सेंसर लूज हो के और गिर सकता है। इसीलिए आप कभी भी ये सेंसर लगाने के बाद नट टाइट करने का बोलने का मत कीजिए। गाड़ी का लास्ट टायर है ए लेफ्ट साइड रियर टायर, आर आर करके हमारा वायरलेस सेंसर आ रहा है। सबसे पहले डस्ट कैप रिमूव करके हमारा ब्रास नट लगाएगा, उसके बाद ये रहा हमारा सेंसर। सेंसर लगाने के टाइम में आप मीटर पर नज़र रख दीजिए। ये देखिए मीटर का जो रीडिंग चेंज हो गया, लेकिन अब मीटर का रीडिंग 26 आ रहा है। उसके प्रॉब्लम क्या वजह है हम देखेगा, और 26 ब्लिंक हो रहा है, उसके साथ साथ अलार्म भी बज रहा है क्योंकि हमारा गाड़ी का लो प्रेशर मैंने 29 रख दिया, इसीलिए 29 से भी ये 26 कम है, इसीलिए ये ब्लिंक करके उसके साथ साथ अलार्म भी बज रहा है। इसके लिए हम ए टायर पर हवा भरना चाहिए, वरना ये कंटिन्यू ब्लिंक हो के बजर आ जाएगा। अब पीछे वाला टायर लेफ्ट साइड का टायर कंटिन्यू ब्लिंक हो रहा है 26, इसके लिए हम हवा भरना चाहिए, उसके बिना ये प्रॉब्लम सही नहीं हो जाएगा। ये रहा हमारा छोटा सा स्टिकर और डिवाइस का नीचे लगा के डैशबोर्ड पर लगाना चाहिए। मैंने स्टिकर का एक ही तरफ वो कागज़ खोल दिया, उसके बाद में डिवाइस पर वो लगा दिया। फिर से डबल टेप का दूसरी तरफ का कागज़ रिमूव करना चाहिए, उसके बाद डिस्प्ले हमारा
डैशबोर्ड में कोई सही जगह दे के लगाना चाहिए। आपको अगर 16 पावर कम है तो यहाँ पे यूएसबी वायर लगा के यूएसबी चार्जिंग से इसे ए डिवाइस चार्ज कर सकता है। आपका कार सिगरेट लाइटर में का चार्जर लगा के यूएसबी चार्जर से भी ये चार्ज कर सकता है। अगर आपको ये रोज़ यूज़ करना है तो ऐसा यूएसबी चार्ज लगाने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ जाता है, क्योंकि धूप से बहुत अच्छा से ये चार्ज हो जाएगा। उसके साथ साथ ये बैटरी भी काफ़ी समय तक चार्ज के बिना चला सकता है। चारों सेंसर लगाने के बाद सेंसर का रीडिंग का साइड में ये येलो कलर में आपको टायर का टेम्परेचर भी उसके साथ साथ बता रहा है। अब देखिए टायर का टेम्परेचर एक एक करके 29, 29, 31, 30 करके बता रहा है। मैंने गाड़ी का हवा भर दिया। अब देखिए वो 26 करके पहले ब्लिंक हुआ, अब वो 33 में आ गया। अभी ब्लिंक भी नहीं हो रहा है, बसर भी नहीं बज रहा है। अभी गाड़ी का टायर प्रेशर सही हो गया।